दुनिया खत्म होने का तमाशा शुरू। चलो हमें ताली बजाने का काम तो मिला। सारा दुनिया बचाने में क्या काम नहीं आएगा तुम्हारा एटीट्यूड। मार्वल इटर्नल्स फाइनली रिलीज हो गई और काफी लोगों का मानना है कि मार्वल इटर्नल्स के सुपर हीरो जो हैं वो सब कॉपी हैं और कुछ का मानना है कि वो सब न्यू सुपर पावर वाले सुपर हीरो हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसी मूवी और वेब सीरीज जो कि इटर्नल्स की सुपर पावर को ओन करते हैं या यूं कहें कि इटर्नल्स के सिमिलर हैं। तो कौन सी है वो मूवी और सीरीज, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप रोज रोज मूवी और वेब सीरीज के लिए भटकते रहते हो तो आप रुक जाइए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर डेली एक से दो वीडियो अपलोड कर ही देता हूँ टॉप मूवीज और वेब सीरीज के रिगार्डिंग। अगर आप क्वालिटी कंटेंट चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि गर्लफ्रेंड के मैसेज से पहले मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आए। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं वहां भी कुछ न्यू कंटेंट डालने लगूंगा जो मैं यहां नहीं डाल सकता तो मैं वहां डाल सकता हूं। आप समझ रहे हो, मैं आपको वहां पे थोड़े बहुत जुगाड़ बता सकता हूं, तो फॉलो कर लेना। बाकी करते हैं वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम आजम खान और आप देख रहे हैं टीवी क्लब पॉइंट। इटर्नल सुपर हीरो के जो पहले कैरेक्टर में नाम आता है वो है स्प्राइट का, जो एक 3 male की कैरेक्टर है। इट्स मीन अ जेंडर स्वैपिंग। बात करें तो इसकी पावर है मैटर मैनिपुलेशन, क्रिएट इल्यूजन, मेकिंग क्लोन, और इन सब पावर से अगर देखा जाए तो स्प्राइट लोकी की सिमिलर पावर रखती है। और आप अगर स्प्राइट की पावर वाली कोई मूवी देखना चाहते हो तो आप लोकी की वेब सीरीज देख सकते हो जिसमें आपको यही सब पावर दिखाई जाएंगी। जिस खेल की तुम बरसों से ट्रेनिंग ले रहे हो हम उसके चैंपियन हैं। दूसरे नंबर पर जो कैरेक्टर आता है इटर्नल्स का, उसका नाम है एजैक, जो कि इटर्नल की लीडर होती है, जो क्रिएटर से बात करती है, मतलब सेलेस्टियल से बात करती है, जिसके पास पावर होती है मैटर मैनिपुलेशन की और हीलिंग की। अब ये हीलिंग खुद को भी करती है और दूसरों को भी करती है, और इसी की पावर के बेस पर अगर कोई मूवी देखनी है तो आप देख सकते हो एक्समैन डेडपूल। आप शायद सोच रहे हैं कि ये एक सुपर हीरो मूवी है, पर सूट पहने उस बंदे ने दूसरे बंदे का कबाब बना दिया। सरप्राइज, ये सुपर हीरो कहानी थोड़ी हटके। इटर्नल के तीसरे कैरेक्टर की बात करें तो वो आता है ड्रुइग। अगर इसकी पावर की बात करें तो ये माइंड कंट्रोल कर सकता है, वो भी ग्रेट क्वांटिटी में। और सिमिलर सुपर हीरो मूवी की बात करें तो वांडा आएगी इस लिस्ट में दोबारा से, और आप इसकी वांडा विजन वाली सीरीज देख सकते हो जिसमें ग्रेट क्वांटिटी में वांडा भी माइंड कंट्रोल करती है, यहां तक कि पूरे एक सिटी का माइंड कर लेती है और अपने इशारों पे नचाती है। तो आपको ड्रुइग वाले कैरेक्टर के ऊपर ही वांडा की भी हमें पावर जो है वो सेम देखने के लिए मिल जाएंगी। चौथे नंबर जो इटर्नल का कैरेक्टर आता है उसका नाम है मकारी। अब इसकी पावर तो सब जानते ही होंगे, मैडम काफी फास्ट है, मतलब सुपर फास्ट। और सिमिलर सुपर हीरो मूवीज की बात करें तो यहां फ्लैश का नंबर देख सकते हो, क्विक सिलर भी इसी लिस्ट में आ जाएगा, और एक्समैन की फ्रेंचाइज में जाके क्विक सिलर को देख सकते हो। और तीसरे नंबर पे अगर आप बात करें तो एक और कैरेक्टर यहाँ आ सकता है, द बॉयज का ए ट्रेन भी इसी लिस्ट में आ सकता है। तो इन तीन कैरेक्टर की मूवी आप देख सकते हो अगर आप मकारी के फैन हो गए हो। पांचवें नंबर जो कैरेक्टर आता है इटर्नल का वो है थीना, जो कि लड़ाई की देवी है, सुपर पावर फाइटिंग स्किल मंजे, इनके जैसी लड़ाई करना आसान नहीं है, अकेले सुपर भारी है। और सिमिलर पावर के साथ अगर मूवी कोई देखनी है इसे के जैसी तो आप देख सकते हो यहाँ पे वंडर वुमन, क्योंकि ये भी सेम सी पावर रखती है जो आपको थीना वाली फील दे सकती है। तो आप वंडर वुमन देख सकते हो अगर थीना के फैन बन गए। छठ नंबर पर जो इटर्नल का कैरेक्टर आता है वो आता है फास्टो, जिसकी पावर है मेकिंग टेक्नोलॉजी एंड वेपन, वो भी अपनी दिमागी ताकत से। और इसके जैसी पावर तो नहीं, बस इसकी सिमिलर है वो पावर जो फास्टोस को टक्कर दे सकती है, और वो है आयरन मैन। बस डिफरेंस ये है कि फास्टोस एट द मोमेंट सोचकर बनाता है अपनी जो भी टेक्नोलॉजी और वेपन बनाता है, और आयरन मैन पहले ही बनाकर तैयार रखता है। दोनों टेक्नोलॉजी गजब की होती है। आयरन मैन को आप देख सकते हो अगर आप फास्टोस के फैन और आप चाहते हो कोई न्यू टेक्नोलॉजी वाली सुपर हीरो की मूवी देखना। सातवें नंबर जो हमारे इटर्नल का कैरेक्टर आता है उसका नाम है गिलगमेश, जिसकी पावर है स्टैंड, मतलब ताकत, और काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और इसके जैसे सिमिलर पावर रखने वाले अगर कैरेक्टर या मूवी की बात करें जिसमें आपको स्ट्रेंथ देखने के लिए मिलेगी तो वो है थोर और हरकुलिस। और थोर और हरकुलिस दोनों ही काफी ताकतवर कैरेक्टर है, वो गिलगमेश को काफी अच्छी टक्कर दे सकते हैं। आठवें जो इटर्नल के कैरेक्टर की बात करें तो आता है किंगो, जिसकी पावर थोड़ी लिमिटेड है एमसीयू में, इसकी पावर काफी कम दिखाई है पर पावरफुल दिखाई है। और सिमिलर पावर ओन करने वाले कैरेक्टर है वांडा, अगेन वो भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है किंगो की तरह, और अगर एनर्जी प्रोड्यूस करने के मामले में देखा जाए तो किंगो की और वांडा की पावर सेम सी। नौवें नंबर पर इटर्नल्स के कैरेक्टर की बात करें तो वो आती है सर्सी, इसकी पावर की बात करें तो ये भी मैनिपुलेशन कर सकती है मैटर को, वो भी ग्रेट स्केल पर चीजों को कन्वर्ट कर देती है लिक्विड गैस सॉलिड जो भी ये चाहे। तो इसी के सिमिलर अब अगर हीरो की बात करें तो इसके जैसी मूवी आप देख सकते हैं वो है हैरी पॉटर, क्योंकि इसमें भी आपको मैटर मैनिपुलेशन भर भर के दिखाया गया है। एमसीयू में काफी सारे कैरेक्टर हैं लेकिन उनके ऊपर मूवीज नहीं बनी है, मैं कॉमिक के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपको कोई मूवी देखनी है जिसमें आपको मैटर मैनिपुलेशन देखना हो गया, किसी चीज को छू के कुछ भी बदल दे, तो आप हैरी पॉटर देख सकते हो, क्योंकि उसमें इस तरह के जादू काफी सारे दिखाए गए हैं। और दसवें और आखिरी नंबर पर इटर्नल्स जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है इकरिस, जो इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। वो उड़ सकता है, लड़ सकता है, आंखों से लेजर छोड़ सकता है। और इसकी सिमिलर पावर वाले अगर सुपर हीरो की मूवी की बात करें तो आपने पहले ही सोच लिया होगा मैं क्या बताने वाला हूँ, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, उस मूवी का नाम है सुपरमैन। यही वो कैरेक्टर है जो हमारे इकरिस को
टक्कर दे सकता है, मतलब सेम पावर रखता है। और एक कैरेक्टर और है, अगर आप उसकी भी मूवी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, वो कैरेक्टर आता है विजन का, क्योंकि वो भी उड़ सकता है और वो भी लेजर छोड़ सकता है। वो बात अलग है कि हाँ वो आंखों से नहीं छोड़ सकता, लेकिन वो अपने जो दिमाग में उसके मणि होती है उससे छोड़ सकता है। तो इसी के साथ होती है हमारी यहाँ पे लिस्ट खत्म। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर करना, और चाहते हो आपको आगे भी ऐसे ही टॉप मूवीज़ और वेब सीरीज की लिस्ट टाइम टू टाइम मिलती रहे, मतलब मेरा मतलब डेली मिलती रहे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि, और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि गर्लफ्रेंड के मैसेज से पहले मेरी वीडियो सुना जाए। तो मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक